समय का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेचीदा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है। बट कंडीशन एक होनी चाहिए कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो। कोई घटना होती है और उस घटना को बदलने के लिए पास्ट में जाके कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि भैया वो घटना होने से रुक जाती है और कहा जाता है कि हाँ हमने ऐसा कुछ समय का यूज करते हुए इस घटना को बदल दिया है। यार इस चीज के ऊपर कोई भी सवाल पूछता नहीं और सब लोग इस चीज को मान लेते हैं, लेकिन ये चीजों को बिगाड़ भी देता है और इससे चीजें पजल भी हो जाती है। लोकी के गायब होना एंड गेम से वहां से इच्छा होती है कि क्या होगा अब आने वाले टाइम पर, क्या फर्क पड़ेगा, और इस बेसब्री को दूर करने के लिए आती है लोकी की सीरीज जिसमें 6 एपिसोड आते हैं और फर्स्ट एपिसोड से चीजें इंटरेस्टिंग होती चलती हैं और फिर एक अलग ही वर्ल्ड देखने को मिलता है जिसका नाम होता है टीवीए, जो टाइम को सही रखने का काम करते हैं। लेकिन फिर से सवाल खड़े होते हैं, ये टीवीए कौन है, क्या इसका इतिहास है, ये कैसे काम करते हैं और टाइम को ये सही रखते कैसे हैं। खैर उम्मीद यही होती है कि आने वाले सभी एपिसोड के अंदर हमारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आते हैं चीजें और ज्यादा पेचीदा होती चलती हैं। हमें पता चलता है कि लोकी एक नहीं है, लोकी बहुत सारे हैं। यहां पर पता चलता है कि मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, पर इस टाइमलाइन से हट के यहां पर कोई भी पावर काम नहीं करती है। इवन इंफिनिटी स्टोन केवल पत्थर हैं और उनको सिर्फ कागजों पर रखने के लिए यूज किया जा रहा है। और जब धीरे धीरे एपिसोड खत्म होने के कगार पर पहुंचते हैं तो बेसब्री बढ़ती जाती है कि यार एटलीस्ट उस इंसान के बारे में जानने को पता चलेगा कि भैया ये कर कौन रहा है, आखिर क्या वो सबसे पावरफुल वही है, क्या वही अमर है। और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आप बेसब्री से इंतजार करते हो और फिर आपको पता चलता है कि भैया जो जवाब दिया गया उसमें आपके लिए एक और पजलिंग स्टोरी है। यार कमाल की बात है। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे देता हूं। देखो इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाले हैं क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी है, ठीक है। लोकी के लास्ट एपिसोड में मैंने जब जवाब सुना तो मेरे दिमाग में एक ये चीज आई कि यार यहाँ तक अब तक कोई नहीं पहुंचा है और क्या सब इंसान एक मजाक है और वो एक टाइमलाइन में कैद है और उन पर एक तानाशाह बैठा है और वो अकेला नहीं है, उसके बहुत सारे रूप हैं जो उससे भी खतरनाक है और इन सब की अपनी अपनी एक टाइमलाइन है या उनका अपना एक यूनिवर्स है। इसे ऐसे समझो जैसे एवेंजर है, थेनोस है, वो भाई सब कुछ नहीं है, वो अपनी गली में हीरो है, बाकी जो है उनका मालिक कहीं और बैठा है। भैया अगर उन्होंने अपनी टाइमलाइन से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या एंड गेम में पास्ट में जाना कि वो टाइमलाइन को बदलना नहीं था, या डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो वो हरी मणि है जो टाइम को कंट्रोल करती है, क्या वो सिर्फ एक मजाक थी। अगेन लास्ट के एपिसोड को देखने के बाद पता चलता है कि भैया हम जहां खड़े थे वहीं वापस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ। पर हमें ऐसा फील होता है कि यार जो भी हमने आज तक मार्वल की मूवीज देखी वो तो बस ऐसे ही थी, असली करता धरता तो यहां बैठे हैं जिनके पास असली पावर है, अमर है। भले 6 एपिसोड हमारे सामने आ जाते हैं लेकिन ये 6 एपिसोड काफी नहीं है, कहानी खत्म नहीं हो जाती इन 6 एपिसोड में, अभी तो आनी बाकी है। ऐसा समझो कि जो हमने अब तक देखा वो सिर्फ एक छलावा था, असलियत अब सामने आ रही है, असली करता धरता तो अब सामने आ रहे हैं। पर लास्ट में हमें बताया जाता है कि सीजन 2 आएगा, लेकिन क्या वो सवालों के जवाब देगा या हमें और ज्यादा पजल कर देगा। अरे इतना ज्यादा दिमाग खराब तो मेरा डार्क सीरीज को देखने के बाद नहीं हुआ, जो केवल इसके लास्ट एपिसोड को देखने के बाद उनकी बातों को समझने के लिए मैंने जितना दिमाग खर्च किया है। इस सीजन को देखने के बाद तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी जेल में हैं और एक तानाशाह हमारे ऊपर राज कर रहा है जो समय को कंट्रोल किए हुए। और इस सीजन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही आता है दिमाग में कि क्या समय को काबू किया जा सकता है, शायद उनसे ऊपर भी कोई है जो ये सब करवा रहा है या उसने ये सब चीजें लिख रखी हैं। और 1 मिनट से भी कम का जवाब ये काफी है ये बताने के लिए कि भैया समय को काबू किया जा सकता है या नहीं। और सबसे बड़ा मजाक तो इस चीज का कि इस समय को कंट्रोल कौन किए हुए है, कमीने लोग, एक से बढ़कर एक कमीने लोग इस समय लाइन को, मतलब टाइम लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं। और इसे एक्सप्लेन करना तो दूर की बात है यार, ये समझ आ जाए वही काफी है, क्योंकि एक चीज समझाने बैठूंगा तो काफी सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। जैसे कि टाइम लाइन को कंट्रोल करने वाला ही हु रिमेन्स, जहां पर वो अपनी मर्जी से भाई सब किसी को भी मिटा सकता है, तो सवाल यही आता है कि कैसे बना, उसने कैसे पता लगाया इन सब का, और उसके अवतार ही क्यों, बाकी के लोग क्यों नहीं। और लास्ट के एपिसोड में लोकी और सिल्वी की लड़ाई इस बात पर कि ही हु रिमेन्स को मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। देखो सिल्वी का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है क्योंकि उसने काफी सालों से ही अत्याचार सही है, वो इस आग में झुलसी है, जिस इंसान ने उसके साथ ये काम किया है वो तो उसे मार कर रहेगी। लेकिन लोकी जो है इस कश्मकश में होता है कि यार अगर उसको मार दिया, ही हू रिमेन्स को अगर मार दिया तो भाई आगे क्या होगा, इससे बड़ी आफत और आ सकती है। और ही हू रिमेन्स वही है जो एंटमैन की आने वाली अगली फिल्म में कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले करने वाला है। लास्ट में ही हू रिमेन्स की मौत होने पर ये चीजें साफ स्पष्ट हो जाती है कि भैया उसने अपनी मर्जी से अपने आप को मरवाया, क्योंकि यार वो अपने आप को बचा सकता था जैसे हमने थोड़ा बहुत लास्ट में देखा था। इससे ये बात तो जरूर पता चलती है कि अपने काम से थक चुका था भैया, इसको बोरियत महसूस होने लगी थी तो सोचा कि यार चलो मर लेते हैं और दोबारा से पुनर्जन्म लेके तुम्हारी फिर से मतलब आ जाते हैं। अब तक लोकी के हमने जितने भी एपिसोड देखे, यानी 5 एपिसोड तक हमने देखे थे, वो
तो सिर्फ ऐसे ही थे यार, ये सिक्स्थ एपिसोड तो बिल्कुल डिफरेंट है, कहानी को दूसरे ही एंगल पे लेके चला जा रहा है और अब मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ऐड कर दिया है। पेचीदा जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। बस एक बात मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने सारे लोकी हमने देखे तो ये कैसे कौन पता करेगा कि असली लोकी यही है, फीमेल लोकी नहीं होना चाहिए था, मेल लोकी को होना चाहिए था। यार ये देखो यार पेचीदा सवाल तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं यार। नो डाउट लोकी की जो सीरीज है वो इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, लेकिन कंफ्यूजिंग भी बहुत ज्यादा है, बट ये मजा भी काफी देते हैं। तो मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। और अगर आप लोगों ने ये सीरीज पूरी देख ली है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप लोगों को क्या समझ में आया और आपकी क्या राय है। और जिन्होंने नहीं देखी है तो जाकर देखो यार, काफी एंटरटेनिंग है लेकिन लास्ट में शायद आपका भेजा खराब हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।